हेलो विभन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में इस वीडियो के थ्रू हम लोग एस एस एंड सीरियल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन द टर्म ड्रिबलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट बताइए ये जो टर्म है आपका ड्रिबलिंग इसका संबंध किस खेल से है हॉकी बैडमिंटन बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट ये जो आपका है ये आपका किससे रिलेटेड है बास्केटबॉल से ठीक है अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ बताइए हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिवाली फेस्टिवल जो है वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हो और ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक कार्तिक में ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओडिया कल्चर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है डांस ये नहीं है पार्ट उडिया कल्चर का पाइका है गोटीपुआ है दालखाई है बट ये जो है आपका कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस ये आपका किससे रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है सी के नायडू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट बताइए सी के नायडू ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है के नायडू ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से अगला क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड अनब्रेकेबल बताइए अनब्रेकेबल नामक जो बुक है किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है इसके ऑथर कौन है इसके ऑथर है मैरी कॉम अगला क्वेश्चन द नावल द वाइट टाइगर इज रिटन बाय बताइए ये जो नॉवल है द वाइट टाइगर ये किसके द्वारा लिखी गई है लिखी गई है अरविंद अडीगा ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन दर टू थाउजेंड टेन बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स जो है दो हजार दस में ये कहाँ खेला गया सिंगापुर टोकियो न्यू दिल्ली या फिर लंदन ये आपका कहां खेला गया ऑप्शन नंबर सॉरी सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं हमारे न्यू दिल्ली में खेला गया ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बताइए कौन से देश ने जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेडल टैली में टॉप रैंक हासिल किया ये आपके ऑस्ट्रेलिया ने जो है टॉप रैंक हासिल किया हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया वॉन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बताइए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे ये 22 अगला क्वेश्चन है लक्ष्य सेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट बताइए लक्ष्य सेन इनका नाम आपने सुना होगा ओलंपिक्स में भी है ना तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है इनका संबंध है बैडमिंटन से द थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एटम आर बताइए एटम के थ्री बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बताइए सो द थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय होम बताइए न्यूट्रॉन जो है इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है देखिए न्यूट्रॉन की बात करें ना भाई तो ये किसके द्वारा खोज किया गया है जेम्स चैडविक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन जगदीप धानकर वाज़ द गवर्नर ऑफ विद स्टेट बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट जैसा कि आपको पता है कि जगदीप धानकर जो है ये हमारे अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कौन से राज्य के गवर्नर थे बताइए किस राज्य के राज्यपाल थे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले सो ही वॉज द गवर्नर ऑफ बेंगाल बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हु द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन बताइए इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है लंदन में किसके द्वारा स्थापित किया गया श्याम जी कृष्ण वर्मा अगला क्वेश्चन ब्लू कलर्ड ग्लास इज ऑप्टेन बाई एडिंग विथ सब्सटांस बताइए जो ग्लास होता है ना कुछ ब्लू कलर का जो ग्लास होता है तो ये कौन से सबस्टांस को ऐड करके ऑबटेन किया जाता है बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड हु कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताइए प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा एन ए पालखी वाला अगला क्वेश्चन द पी एच वैल्यू ऑफ लेमन जूस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बताइए लेमन जूस का जो पी एच वैल्यू होता है ये कितना होता है एक्सपेक्टेड टू बी मच देखिए पी एच वैल्यू जो होता है ना लेमन का ये दो से टू टू थ्री के बीच होता है टू पॉइंट टू टू पॉइंट फोर ऐसे होता है ठीक है मतलब दो से तीन के बीच इसका लेमन जूस का पी एच वैल्यू होता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली लेस देन सेवन क्योंकि सात से कम होता है बाकी इक्वल टू सेवन नहीं मोर देन सेवन नहीं नथिंग स्पेसिफाइड ये भी नहीं होगा तो लेस देन सेवन होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है द कावेरी रिवर ऑर्जिनेट फ्रॉम विथ स्टेट बताइए कावेरी रिवर जो है ये कौन से स्टेट से ऑर्जिनेट होती है देखिए कावेरी रिवर की बात करें तो ये ऑर्जिनेट होती है कहां से कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दक्षिण गंगा की बात करें तो ये कहा जाता है गोदावरी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑर्जिनेट फ्रॉम अमरकंटक निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से ऑर्जिनेट होती है ऑप्शन नंबर डी नामदा अगला क्वेश्चन हु द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर ए लॉ बताइए दुनिया का पहला ए लॉ जो है ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया ये अप्रूव किया गया आपका ईयू के द्वारा ईयू दैट मींस यूरोपियन यूनियन वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन बताइए भाई यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है बाकी अगर बात करें कि इसके कितने मेंबर्स हैं तो इसके टोटल ट्वेंटी सेवन मेंबर्स हैं फर्स्ट ऑफ नवंबर नाइनटीन नाइन्टी थ्री में इसकी स्थापना हुई ठीक है और इसकी क्वार्टर कहाँ है इसकी हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम ओके अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रेबल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स टू बताइए ट्रेबल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स दो में भारत का रैंक क्या रहा थर्टी नाइन्थ ठीक है जिसमें से टॉप कंट्री रहा आपका यूएसए टॉप पे रहा और इंडिया रहा उनचालीसवां रैंक पे हु वन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड इन आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आई पी एल दो हजार चौबीस में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता विनिंग टीम तो आपको याद रखना ही रखना है के के आर है रनर अप टीम सनराइजर्स हैदराबाद एंड बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की तो ये सुनील नारायणी फ्रॉम के के आर जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देर आर हाउ मेनी गंगेटिक डॉलफिन इन इंडिया बताइए इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी कितने जो हैं गंगेटिक डोल्फिन भारत में मौजूद हैं अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड ठीक है तो वीडियो का ही पैन करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हमारे साल बात नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में